ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि जब से भारतीय क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान हटे, वहां से भारत को ऐसा कोई कप्तान नहीं मिला जो भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना सके। हालांकि विराट कोहली ने कप्तानी में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन वो भी नहीं बना सके। आनन फानन में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तान बनाया, उम्मीदें बड़ी थी, लेकिन नतीजा वही, ये भी भारत को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना सके। और अब तो हालत ये हो गई कि रोहित को कप्तानी करते हुए 12 महीने भी नहीं हुए, लेकिन रोहित को अब व्हाइट बॉल से कप्तानी हटाने जा रही है बीसीसीआई। जी हाँ, बीसीसीआई जल्द ही न केवल T20 में बल्कि वनडे में भी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का प्लान बना चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रोहित शर्मा का वनडे फॉर्मेट से कप्तानी हटने के बाद कौन से वो खिलाड़ी हैं जो भारत के नए ODI के कप्तान बन सकते हैं। इनमें हम आपको 3 ऐसे खिलाड़ियों की सूची बताने वाले हैं जिनको देखकर आप भी यही कहेंगे इन्हीं 3 में से कोई एक कप्तान बनेगा, और वो कौन सा होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आइए जानते हैं कौन से 3 खिलाड़ी हैं भारत के नए कप्तान बनने के प्रबल दावेदार, जिनमें दिखती है धोनी की झलक। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी, हम बात कर रहे हैं भारत के नए कप्तान के बारे में। 2023 में भारतीय घरेलू मैदान पर ही वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा, और उसके लिए भी ये बहस और भी तेज हो जाती है क्योंकि हाल ही में बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई है और जिसमें ये बात तो तय है कि रोहित शर्मा से जल्द ही कप्तानी छीनने जा रही है बीसीसीआई। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर किन नए खिलाड़ियों को कप्तानी दी जाए। उनमें ये 3 खिलाड़ी सबसे आगे रहे, इनमें से किसी एक को कप्तानी तो दी जाएगी और वो हम आपको आगे जाके बताएंगे फाइनली बीसीसीआई ने कौन सा कदम उठाया है। लेकिन उससे पहले इन 3 नामों पर खूब चर्चा हुई है, हम आपको बता दें ये 3 खिलाड़ी कौन से हैं पहले जानते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आखिर रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसके 2 बड़ी वजह सामने आती है। पहली, रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से करारी हार मिली। इससे पहले एशिया कप में भी टीम इंडिया टॉप 2 में भी जगह नहीं बना पाई। तभी से वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की बात तेज हो गई थी। दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि बीसीसीआई ने पहले ही सिलेक्शन कमेटी को भंग कर दिया था। ऐसे में माना जा रहा था कि रोहित को कप्तानी से हटाया जाएगा। पिछले साल रोहित ने विराट की जगह ली थी क्योंकि विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी छोड़ दी, बाद में उन्हें वनडे से कप्तान हटा दिया गया। उनकी जगह रोहित शर्मा को वनडे और T20 की जिम्मेदारी सौंपी गई। टेस्ट की कप्तानी विराट के पास ही थी, बाद में विराट ने टेस्ट की भी कप्तानी को निजी कारणों का हवाला देकर छोड़ दिया था, जिसके बाद से टीम इंडिया की कप्तानी में बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन अब जानते हैं आखिर वो कौन से 3 खिलाड़ी इस लिस्ट में सबसे आगे आते हैं। इस लिस्ट में पहले पायदान पर नाम KL राहुल का आता है। अब आप सोच रहे होंगे KL राहुल भला कप्तानी के कैसे प्रबल दावेदार, तो हम आपको बता दें कि KL राहुल टीम इंडिया के वनडे में विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। KL राहुल जब भी रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं होते हैं तो टीम इंडिया ने इसी खिलाड़ी को बतौर उपकप्तान कंसीडर किया है। उपकप्तान उसी खिलाड़ी को बनाया जाता है जो टीम इंडिया का फ्यूचरिस्टिक कप्तान होता है। ऐसे में उपकप्तान KL राहुल को अब कप्तान के लिए प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। KL राहुल ने वनडे में 48 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 44 की एवरेज से और 87 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 11 अर्धशतक भी शामिल है। KL राहुल एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन हालिया फॉर्म अगर इनका देखा जाए तो बहुत ही खराब है। उपकप्तान को कप्तान में तभी कंसीडर किया जाएगा जब उसकी खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में कहीं न कहीं प्रभावित किया हो, और ऐसा अभी तक KL राहुल की कप्तानी में देखने को बहुत ही कम मिला है। KL राहुल अपनी कप्तानी से हर किसी को प्रभावित नहीं कर पाए हैं, चाहे वो IPL हो, चाहे वो जब गैर मौजूदगी जहां रोहित की रही हो, वहां पर भी KL राहुल अपनी कप्तानी से टीम मैनेजमेंट को प्रभावित नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में KL राहुल हालांकि प्रबल दावेदारों में से एक हैं, लेकिन टीम इंडिया इनके साथ में कंसीडर नहीं करना चाहेगी। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर नाम श्रेयस अय्यर का भी आता है। श्रेयस अय्यर को आप जानते हैं, कप्तानी का गुण इस खिलाड़ी में है और एक युवा खिलाड़ी है। 28 साल का ये खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी ने ODI में 40 मुकाबले खेले हैं। जी हाँ, और उसमें 50 के पास का इनका एवरेज है, जिसमें इनकी स्ट्राइक रेट भी 100 के करीब है। इस खिलाड़ी ने ODI में अपनी काबिलियत का नमूना पेश किया है और कप्तानी तो ये IPL में भी कर चुके हैं, चाहे दिल्ली कैपिटल के लिए और अब KKR के लिए भी करते हैं।
श्रेयस अय्यर के अंदर वो कप्तानी का जज्बा और जुनून दोनों नजर आते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर जहां हालिया फॉर्म भी बहुत अच्छा है और बहुत कुछ अच्छे से काम ये कर रहे हैं, तो टीम इंडिया के नए कप्तान के तौर पर, युवा खिलाड़ी के तौर पर श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार बन जाते हैं। लेकिन हमारे इस लिस्ट में तीसरा और आखिरी नाम है और वो आप जानते हैं, हार्दिक पांड्या को लेकर आ रहा है। हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान बनाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन अब तो ऐलान ये भी है कि BCCI ने तय कर लिया है और हार्दिक पांड्या ने बातचीत भी कर ली है कि आपको दोनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया जा रहा है। हार्दिक पांड्या ने कुछ समय के लिए समय मांगा है, उसके बाद हार्दिक पांड्या भारत के नए कप्तान घोषित होंगे और BCCI की पहली पसंद T20 और ODI में हार्दिक पांड्या ही है। हार्दिक पांड्या ने हाल ही में IPL में कप्तानी करते हुए टीम गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था और अपनी कप्तानी से हर किसी को प्रभावित किया है, इसलिए हार्दिक पांड्या इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर और सबसे पसंदीदा कप्तान के तौर पर है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि BCCI की पहली पसंद तो यही है और जल्द ही BCCI इसका ऐलान करेगी।